और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का एक ऑडियो अब सामने आया है, जिसमें वो पंजाब के एक कारोबारी से पैसों की डिमांड करता सुनाई दिया। इस ऑडियो में अर्श डल्ला कारोबारी को धमका कर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कारोबारी अर्श डल्ला के नाम से जरा सा भी डरता नहीं है और इस पर डल्ला उसे देख लेने की धमकी देता है, तो वहीं कारोबारी भी ये कहता है कि ठीक है देख लेना। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले आतंकी अर्शदीप डल्ला पर 10 लाख रुपए का इनाम सामने आया। तो ये ऑडियो सामने आया है जिसमें अर्शदीप डल्ला एक कारोबारी, पंजाब का यह कारोबारी है, उसको धमकाता है, पैसे मांगता है, लेकिन कारोबारी डरता नहीं है। कारोबारी कहता है कि वो नहीं करेगा ऐसा, तो अर्शदीप डल्ला कहता है कि देख लेंगे, लेकिन कारोबारी लगातार कहता रहा है कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं पैसे नहीं दूंगा। ये ऑडियो इस बात की पुष्टि करता है कि देखिए किस तरीके से ये अपना आतंक फैलाते रहे। अब सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का यह दावा है कि आतंकी अर्शदीप डल्ला की ही आवाज है। डल्ला का नेटवर्क जितना कनाडा में मजबूत है उससे कहीं ज्यादा पंजाब में मजबूत है, और यही वजह है कि डल्ला लगातार पंजाब में अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटा है। आतंकी अर्श डल्ला देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर क्यों है, इसका जवाब भी अर्श डल्ला की प्रोफाइल और उसकी क्राइम कुंडली देखकर आसानी से आप जान जाएंगे। देखिए, खालिस्तानी आतंकवादी है अर्श डल्ला। अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर का गठजोड़ पुराना रहा था। आतंकी निज्जर विदेश में आतंकियों को शरण देता था और निज्जर ने अर्श डल्ला को भी आतंक फैलाने के लिए शरण दी थी। हरदीप निज्जर के लिए काम करता था अर्श डल्ला। निज्जर की मदद से अर्श डल्ला ने अपना नेटवर्क खूब बढ़ाया। देश के कई बड़े अपराधों में अर्श डल्ला का नाम इसमें सामने आया। निज्जर के साथ डल्ला ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश भी पहले रची थी। चार खबरों की बात करते हैं और इसमें बाद दिल्ली के भूगोल में गहनों के शोरूम में हुई सबसे बड़ी चोरी की करेंगे, जहां कर्मचारियों समेत कई संदिग्धों पर जांच तेज हो गई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग भी मिले हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने अब तक मामले में 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब जांच पुलिस की तेज हो चुकी है। इसी दुकान में काम करने वाले कई कर्मचारी हैं जिनके साथ पूछताछ पुलिस इस वक्त कर रही है। हालांकि बहुत कुछ खास ठोस सबूत या फिर कोई गवाह अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है, और ये जो भोगल में गहनों के शोरूम से करोड़ों की चोरी हुई थी, अब तक उसमें कौन असल गुनहगार है वहां तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। लोकेश और अजय नाम के ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ से हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ी कामयाबी कही जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि लोकेश नाम का जो सुपर चोर इस वक्त से गिरफ्तार किया गया है, उसे भिलाई से गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही 2 और उसके साथ ही अजय और शिवा को गिरफ्तार किया गया है। लोकेश काफी